नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जो करनाल का निर्मल कुटिया फ्लाईओवर है, बिल्कुल उसके ऊपर ही इस वक्त हम खड़े हैं बीचों बीच। और यहाँ पर एक देख सकते हैं बीचों बीच एक गाड़ी लगी हुई है। ये गाड़ी हुंडई की ग्रैंड आई10 गाड़ी है। और बड़ी बात यह कि ये गाड़ी कहीं और की नहीं बल्कि करनाल की गाड़ी है। हालांकि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ वो अपने आप में अभी एक सवाल ज़रूर है, क्योंकि इस गाड़ी के आसपास फिलहाल कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो लोग अक्सर पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। गाड़ी के इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जलते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फ्रंट बम्पर है गाड़ी का वो पीछे रखा हुआ है, आगे से टक्कर हुई है। ये देखिए पूरा जो शीशा है वो क्रैक हो चुका है, डैमेज हो चुका है। आगे से तो गाड़ी बुरे तरीके से डैमेज है। अंदर की बात की जाए तो ये देखिए जो एयर बैग है गाड़ी के वो खुल चुके हैं, एयर बैग गाड़ी के खुल चुके हैं। और ये देखिए कोई जो व्यक्ति होगा वो स्पेक्स लगाता है, क्योंकि स्पेक्स आप देख पा रहे होंगे कि स्पेक्स भी नीचे गिरी हुई है। हालाँकि व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्या उसको एम्बुलेंस में लेकर जाया गया या कोई प्राइवेट गाड़ी आई थी या फिर हादसा कब का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये गाड़ी बीचों बीच यहाँ पर खड़ी है, जिसकी वजह से कोई और सड़क हादसा भी हो सकता है। आगे से गाड़ी डैमेज है तो पूरा अनुमान ये है कि किसी बड़े वाहन में या किसी और गाड़ी में गाड़ी की टक्कर हुई हो। लेकिन दूसरी गाड़ी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही है। गाड़ी का नंबर हम आपको दिखा देते हैं, HR05AY0611। करनाल का ये नंबर है। और हमने जो जानकारी जुटाई है वो ये है कि किसी करनाल के दिनेश कुमार के व्यक्ति के नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, दिनेश कुमार के नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है। और आगे से आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट बम्पर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये हादसा सुबह का है, रात को हुआ था या कब हुआ था, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो यही है कि ये देखिए कुछ समय पहले भी ये हादसा हो सकता है। HR05AY0611। इस गाड़ी को यहाँ से हटाया नहीं गया, हुंडई की ग्रैंड आई10 गाड़ी है, दिनेश कुमार के नाम रजिस्टर्ड है। अंदर एक स्पेक्स भी नीचे गिरी हुई है, जो ड्राइवर सीट होती है वहाँ पर नीचे गिरी हुई है। एयर बैग गाड़ी के खुल चुके हैं, गाड़ी अगले हिस्से से बुरी तरीके से डैमेज हैं। दोनों एयर बैग ये देखिए खुल चुके हैं, एक वाटर बॉटल कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है। स्पेक्स है मेन बात, यानी कि जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसने स्पेक्स लगाए हुए थे। और पानी का गिलास है, कुछ डिस्पोजेबल जो सामान होता है अमूमन गाड़ियों में। और अगले हिस्से से गाड़ी बुरे तरीके से डैमेज है। अब यहाँ पर सवाल ये कि हादसा कैसे हुआ होगा, क्योंकि बताने के लिए यहाँ पर कोई भी जानकार मौजूद नहीं है। हमारी I24 के किसी फॉलोअर ने हमें फ़ोन किया, हमें बताया कि यहाँ पर एक गाड़ी इस तरीके से खड़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, देखिए जिस भी वाहन के साथ इस गाड़ी की टक्कर हुई होगी वो वाहन तो यहाँ पर है नहीं, और हो सकता है कोई बड़ी ट्रैक्टर, कोई बड़ा डंपर हो, कोई बड़ा ट्रक हो जिससे ये सड़क हादसा हो और फिलहाल वो यहाँ से फरार हो या फिर जो भी मामला हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि ये बीचों बीच यहाँ पर खड़ी हुई है फ्लाईओवर में, पीछे से कोई व्यक्ति आ सकता है, टक्कर लग सकती है। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले हमने आपको एक सड़क हादसा दिखाया था जिसमें एक कैंटर खड़ा हुआ था, जिसमें बाइक सवार युवक ने पीछे से टक्कर मारी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। काफ़ी वो दर्दनाक हादसा रहा। और इस गाड़ी को यहाँ से हटवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे प्रशासन आकर हटवाए या फिर NHAI वाले आकर इसको हटाएं। हटवाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि पीछे से आप देख सकते हैं लगातार वाहन आते हुए नज़र आ रहे हैं और पीछे से किसी की भी इस गाड़ी में टक्कर हो सकती है। और कई घंटों से बताया जा रहा है ये गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है, इंडिकेटर्स अभी तक इस गाड़ी के जलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ ही साथ ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर इस गाड़ी का ये देख लीजिए साइड मिरर टूटा हुआ है। यहाँ से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है ओवरटेकिंग के चक्कर में साइड से ये गाड़ी बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। हालांकि इस गाड़ी में जो मौजूद थे, पता नहीं सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था या फिर और भी व्यक्ति मौजूद होंगे, उसके बारे में कोई यहाँ पर जानकारी नहीं है। किस हालत में वो होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक सवाल ये ज़रूर है कि अब तक इस गाड़ी को यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि इस गाड़ी की वजह से और कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं I24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।